हार्टिकल्चर कश्मीर सोपिया का दौरा करता है। हार्टिकल्चर फील्ड स्टाफ को दिशा निर्देश देता है जो वैज्ञानिक और उचित पद्धति के लिए जनता को जागरूक करता है। जी आपको बता दें, बागवानी फसलों की फसल का मौसम बहुत करीब है और निदेशक बागवानी कश्मीर आजाज अहमद भट्ट फसल की उचित वैज्ञानिक विधियों के लिए सोपिया और अधिवक्ताओं से मिलते हैं। अप्रत्यक्ष बागवानी ने कहा कि कटाई का पेशेवर तरीका अगले साल की फसल का प्रत्यक्ष प्रभाव है, तो पेशेवर कटाई महत्वपूर्ण है और जबकि हर फल की कटाई के लिए अन्य पौधों की कलियों को नष्ट नहीं करने के लिए उचित समझ रखना पड़ता है। इसके अलावा वह फील्ड स्टाफ को निर्देश देते हैं कि उन्हें उन्नत वैज्ञानिक कटाई के बारे में जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में आने वाले संकट प्रभावित न हो। उन्होंने हरिपुरा इमाम साहिब फल नर्सरी का भी दौरा किया और सेब और अन्य फलों के रूट स्टॉक का जायजा लिया। उन्होंने सेब और अन्य फलों की खरीद के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने फल उत्पादकों के साथ बातचीत की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे अपनी उपज की उचित ग्रेडिंग सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्य प्राप्त करें। किसानों ने निदेशक के समक्ष विभिन्न मुद्दों को रखा और उनके तत्काल निवारण के लिए आग्रह किया। उन्होंने प्राथमिकता पर सभी वास्तविक मुद्दों की जांच करने और संबोधित करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा निदेशक बागवानी ने इस रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार घाटी में बूस्ट सेव उद्योग के लिए बहुत गंभीर और सतर्क हैं और उन्होंने एक बार फिर कहा कि फलों के उत्पादकों को पारंपरिक तरीके से उन्नत प्याज पर स्विच करना होगा और सरकार बहुत उपयोग कर रही है फल उत्पादकों को बागवानी में नई तकनीकों को अपनाने और उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसकी मशीनरी में। उन्होंने आगे कहा कि सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ पोस्ट एंट्री संगरोध केंद्र के प्रस्तावों को केंद्र सरकार द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है और जमीन पर इसे निष्पादित करने के लिए काम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता सुहैब रंगनेज की खास रिपोर्ट। तकरीबन जो अर्ली वैरायटीज़ हैं हाई डेंसिटी की वो भी तैयार हो रही हैं और जो दूसरी वैरायटीज़ हैं उनका भी सीज़न आ गया। तकरीबन हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई है कश्मीर में, तो उसमें ये हम हिदायत दे रहे हैं अपने जो फार्मर्स हैं या जो अपने ग्रोवर्स भाई हैं उनको हम यही हिदायत देंगे कि जो हार्वेस्टिंग का सही तरीका है, प्लकिंग करने का सही तरीका है, सेब उतारने का सही तरीका, उसी को इस्तेमाल किया जाए। उससे क्या होगा, जो आने वाले सीज़न होगा, आने वाले सीज़न में हमारा बर्ड बच जाएगा और हमारा प्रोडक्शन सही रहेगा। दूसरा जो हमारा यहाँ जैनपुरा में आना था आज, इसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्री किया है कि हम क्वारंटाइन सेंटर के लिए जो हम क्वारंटाइन प्लांट्स का कर रहे हैं उस सेंटर के लिए वो फंडिंग कर रहे हैं, दे एग्रीड। वो दूसरे स्टेट्स में भी उनका है इसमें, क्योंकि इसमें खसूसी तौर प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस है J&K पर, तो इसमें हमें बताया गया कि हमें लैंड फराहम किया जाए तो हम आपको फंडिंग कर लेंगे। तो हमने आज देख लिया यहाँ पर हमारे पास है अवेलेबल काफ़ी सारा लैंड, तो हमने उनको ऑलरेडी कहा है कि हमारे पास जैनपुरा में लैंड है, हम उसको एयर मार्क करके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सके उतना हम एक क्वारंटाइन सेंटर साइंटिफिक लाइनों पर जहाँ लेबॉरेटरी फैसिलिटी या दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ रहेंगी और ये आने वाले हमारे इस फ्रूट इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा।